गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना में निधन हो गया। वह 77 साल के थे। करीब 40 साल से सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित थे। निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए। वीडियो में वशिष्ठ नारायण सिंह के परिजन उनके पार्थिव शरीर के साथ एम्बुलेंस का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। न केवल आम लोग नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि कई फेमस हस्तियों ने भी इस घटना की निंदा की है। लालू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं इस मामले पर कुमार विश्वास ने बिहार के नेताओं पर हमला बोला। कुमार विश्वास ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, उफ, इतने विराट प्रतिभा की ऐसी उपेक्षा। विश्व ने जिसकी मेधा का लोहा माना है, उसके प्रति उसी का बिहार इतना पत्थर कैसे हो गया। कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय को टैग करते हुए लिखा, आप सबसे सवाल बनता है, भारत माँ क्यों सौंपे ऐसे मेधावी बेटे इस देश को, जब हम उन्हें संभाल ही ना सके। वशिष्ठ बाबू के निधन के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा पार्थिव शरीर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। इस महान विभूति के निधन के बाद से उनके छोटे भाई ब्लड बैंक के बाहर शव के साथ खड़े रहे।